हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज मैं बात करने वाला हूँ टैंपा बे रेज और टोरंटो ब्लू जेस मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम लिए किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़, काफ़ी अच्छे अच्छे टीम्स और दोस्तों ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की सभी टीमें देता रहता हूँ। जहाँ पर क्रेडिट इशू नहीं होता वहाँ पर आपको ग्रैंड लीग की भी टीम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी विनिंग भी होती रहती है। इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात है कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो टैंपा बे रेज के बारे में बात करूँ तो टैंपा बे रेज काफ़ी अच्छी खासी टीम है। इन्होंने अभी तक 152 मैच प्ले किए, जहाँ पर 93 में विन और 59 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है। और मैं वही बात करूँ टी ओजैन की टोरंटो ब्लू जेस के बारे में, तो टोरंटो ब्लू जेस भी काफ़ी अच्छी खासी टीम है। इन्होंने 151 यानी कि 151 मैच प्ले किए, जहाँ पर 85 में विन और 66 में लॉस का सामना किया है। तो पता चला कि दोनों ही टीम ठीक ठाक है, बाकी टैंपा बे रेज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी टीम है। तो अब बात की जाएगी हम इस मैच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। आप इस मैच में 5 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। बाकी मैंने इस मैच में 6 और 3 का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बाकी एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए। लाइनअप आने के बाद मैं वो काफ़ी अच्छी खासी टीम दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है, स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करने के बाद वो फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ड्रीम टीम दो, उससे पहले मेरी मेहनत की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट होता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं अगले से अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम बताऊँ टेलीग्राम पर। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा इस मैच की उसको नॉलेज हो जाएगी और वो मेरी टीम नहीं भी लगाएगा तो भी दोस्तों वो अपनी खुद की टीम क्रिएट कर पाएगा। तो हम बात करेंगे ओफील्डर सेक्शन से। तो अर्जोरना दोस्तों काफ़ी अजीब सा नाम है। तो पिछले 3 मैच को उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। आप इनको तो अपनी टीम में रखेंगे ही रखेंगे, तो क्यों दोस्तों आप मेरी मुझे फॉलो ना भी करेंगे तो आप मेजोरिटी लेवल पर इनको जरूर उठा लेंगे, क्योंकि जो बेसबॉल के प्लेयर्स होते हैं आपका जो अपोनेंट होगा या दोस्तों वो इन पॉइंट्स के आधार पर प्लेयर को अपनी टीम में उठाएगा या फिर वो मेजोरिटी लेवल को देखकर अपनी टीम के लिए उठाएगा। लेकिन आपको ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, बाकी दोस्तों स्टैट चेक कर लेना और फिर फाइनल टीम आपको बनानी है। तो दोस्तों बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर मेडोज के बारे में, तो मेडोज दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर आप कह सकते हैं, आप इन्हें कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों मैं आपको टीम देने वाला हूँ, तो टीम के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करूँ गोरिल के बारे में, तो गोरिल का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। और आप ये पूछेंगे कि मैंने अपनी टीम के लिए उनको क्यों उठाया, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप थे। तो दोस्तों मैंने इनको अपनी टीम के लिए उठाया क्योंकि आज जो मैच ये प्ले करेंगे, जो इनका सेलेक्टेड परसेंटेज होगा, जो मेजोरिटी लेवल होगा, वो 20% के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। और मान लीजिए अगर उन्होंने आपके लिए 10 से 12 पॉइंट भी कलेक्ट कर लिए तो आप एक तरफा क्लीन स्वीप मार जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अपनी ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर मार्गोट के बाद, तो मार्गोट काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं और जो सेलेक्टेड परसेंटेज हो वो भी इनका काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट आपको कलेक्ट करके देंगे अगर आप इन्हें अपनी टीम के लिए चलते हैं। तो दोस्तों बात करूँ इनफील्डर सेक्शन से, तो सीमन को आज की टीम में अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रखने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर और काफ़ी मैचों से काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में है। लगभग 80% कॉन्टेस्ट में ये ड्रीम टीम में ही रहते हैं और काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। तो सीमन अपनी ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों के लिए काफ़ी अच्छे खासे है और आप इन्हें टीम में लेकर चल सकते हैं। दोस्तों बात करूँ लोवे के बारे में, तो लोवे भी दोस्तों बहुत बड़ी चॉइस है। अगर प्ले करते हैं तो आपको देखने को मिला कि काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस रहा है और आप इन मिनट स्मॉली की टीम में कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। बस पिछले मैच का परफॉर्मेंस डाउन है, बाकी का आप देखने को मिलेगा कि लगातार 20 से 25 गेमों में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। तो लोवे को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो हम बात करूँ क्लोए के बारे में, तो इनका जो परफॉर्मेंस 2 मैचों से काफ़ी अच्छा खासा है और मैंने अपनी टीम के लिए इसलिए उन्हें उठाया क्योंकि जो अदर प्लेयर अपोनेंट होगा आपका दोस्तों आपको देखने में, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होंगे आपके अपोनेंट के पास, क्योंकि आपका जो अपोनेंट है इन पॉइंट के आधार पर उठाएगा और वो 126 पॉइंट वाले प्लेयर को नहीं उठाएगा। वो ट्राई करेगा कि वो 250+ पॉइंट्स के प्लेयर को उठाए, वो ये नहीं देखा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी खासी टीम दूंगा, टीम के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों मैं रोनी रेज के बारे में बात करूँ, तो पिछले मैच प्ले नहीं कर रहे थे, उसका पिछला मैच प्ले नहीं कर रहे, लेकिन आज का मैच प्ले करेंगे और आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं अगर प्ले करते हैं। तो भाई कैप्टन चॉइस तो मैं पिचर भी रखता हूँ, आप सभी को पता है कि काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर होता है। तो ही कैचर के बारे में बात करूँ, तो मैं दोस्तों मुझे पता है प्ले नहीं कर रहे हैं कैचर, दोस्तों जुनिनो काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है। ड्यू टू क्रेडिट इशू मुझे इस प्लेयर को उठाना पड़ा, एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए। लाइनअप आने के बाद मैं आपको टीम दे दूंगा। तो मैंने इस टीम में 4 आउटफील्डर, 3 इनफील्डर, 1 पिचर और कैचर को ट्राई किया है।
बाकी मैं कैचर दोस्तों जुनिनो को अपनी टीम के लिए लेने वाला हूँ, एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए। तो दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन दोस्तों मैं उसको मैंने टीम में कैप्टन, और दोस्तों मैंने सीमन को टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई किया है। अगर तो इसके बारे में बात करूँ तो लोवे आपके लिए काफ़ी अच्छा अच्छा कैप्टन वॉइस कैप्टन के, सीमन आपके लिए आप काफ़ी अच्छे अच्छे कैप्टन वॉइस कैप्टन के। मैडोस को हो सके दोस्तों अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप ग्रैंड लीग में काफ़ी मोटा रिस्क लेने वाले हैं तो, क्योंकि जो मेडोस इनका जो सिलेक्टमेंट वो सबसे ज़्यादा होगा, और मान लीजिए अगर ये फ्लॉप रहे तो आप एक तरफा ग्रैंड लीग में विन कर जाएंगे। दोस्तों रोनी ने भी आपके लिए काफ़ी अच्छा, ये तीन तो ऐसी होने वाली है जिससे आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा कर चल सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।